मिले तो 20 तो मिले होंगे। एक मतलब मैंने सोचा जी कि ये अवार्ड जो हैं ये फेंक दिए जाएं। क्यों? क्योंकि अजीब सा लगता था, अवार्ड रखे हुए हैं अब मैं पढ़ा हुआ हूँ तो मैंने सोचा कि जब कराची से हैदराबाद जाएंगे तो रास्ते में दरिया में फेंक देंगे जी, तो ये तो सोचा तो, मगर मैंने सोचा कि जब फेंकेंगे तो उधर से सिपाही ने देख लिया अगर तो वो आएगा पूछेगा क्या फेंका, मैं कहूँगा अवार्ड फेंका है, वो मानेगा ही, वो कहेगा निकाल के दिखाओ। फिर निकालना मुश्किल। हाँ निकालना मुश्किल। तो आपने यानी ये बिल्कुल वही वाली बात आपने की कि वो कुछ लोग होते ना एहतियात पसंद। एक साहब ने दूसरे साहब से टाइम पूछा, लड़के ने एक बड़े मियाँ से टाइम पूछा, जनाब टाइम क्या हुआ है? उन्होंने यूं करके घड़ी छुपा ली, चले गए। तो बराबर वाले साहब कहने लगे कि भाई इसने वक्त पूछा, आपके पास घड़ी थी क्यों नहीं बताया? कहने लगे साहब अगर मैं इसको वक्त बताता ये कहता शुक्रिया, मैं कहता कोई बात नहीं। उसके बाद ये होता कि फिर ये घर जाता अपने, वहाँ से मेरा नंबर मुझसे मांगता, मैं इसको नंबर लिखवाता ये कहता शुक्रिया, मैं कहता कोई बात नहीं। फिर ये मेरे घर आता कहता चाय पिलाइए, मैं इसको चाय पिलाता है कहता शुक्रिया, मैं कहता कोई बात नहीं। फिर मेरी बेटी है वो सामने आती, ये कहता माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत अच्छी है, मैं कहता शुक्रिया, ये कहता कोई बात नहीं। उसके बाद ये रिश्ता भेजता मेरी बेटी का, तो कहने लगे मैं इस मनहूस से अपनी बेटी की शादी करूँगा जिसके पास एक घड़ी भी नहीं। यार कॉमेडी तो आती है आपको? आती है ना। हाँ? तो फिर अच्छा लहरी साहब। हाँ? एक बात पूछना चाहता हूँ कि फिल्मों में जो भी कॉमेडियन ने काम किया उनको स्क्रिप्ट लिख के दे दिया जाता है कि ये सीक्वेंस है, ये लिखा हुआ है, याद कीजिए, बोल दीजिए। जी सुना है, आपने ऐसा कभी नहीं किया? उसमें मैटर कम होता था तो इम्प्रूव करके करते थे उसको अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि काम को बेहतर से बेहतर बनाना ये आदमी की ड्यूरेशन लाइफ बढ़ जाती है। तो आप अपने लिखे हुए मकाल में बोला करते थे? भाई लिखा हुआ मिल गया ना, उसे कन्वर्ट कर बदले गए और लाफ्टर बढ़ाते गए उसमें। लहरी साहब क्या आपने कभी ये सोचा कि तंस करते करते आप कभी कभी बहुत गहराई में चले जाते हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपसे वो याद दिलाऊंगा, ज़रा इसे ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा टुकड़ा एक फिल्म के लिए लहरी साहब ने खुद लिखा था, उसमें दो आर्टिस्ट और हैं, मैं लहरी साहब का साथ दे देता हूँ। लहरी साहब खड़े हैं, लहरी साहब की होने वाली बेगम खड़ी है और इनका भतीजा खड़ा है, तो वो पहली दफ़ा उस भतीजे को देख के लहरी साहब से कहती हैं माशाल्लाह कितना। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अब्रप्ट पंचलाइन है। तो वो बच्चे को देख के लहरी साहब से कहती हैं माशाल्लाह कितना अच्छा बच्चा है। ये अच्छा बच्चा बाप से छुपा कर चार बच्चों को पाल रहा है। तो क्या इसकी शादी हो गई है? शादी तो अभी नहीं हुई। इसकी शादी नहीं हुई है तो ये बच्चे किसके पाल रहा है? ये बच्चे कुत्ते के पाल रहा है। अगर ये बच्चे कुत्ते के पाल रहा है तो बाप से छुपाकर पालने की क्या जरूरत थी? इसके बाप चाहते हैं कि घर में जब भी हो आदमी का बच्चा। ये तो खैर बिला वजह की जिद है। यही मैंने भाई साहब से कहा कि ये तो बिला वजह की जिद है, एडवांस घरानों में तो एक आध कुत्ते का बच्चा होता ही है। पाकिस्तान का कोई ऐसा एक्टर है जिसके साथ आपने काम नहीं किया या जिसने आपके साथ काम नहीं किया? मलिक अली खान। आप उनसे क्यों इस कदर तपे हुए हैं? मुझे दुख होता है उसको आपके साथ देख के। अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि
उनकी सोबत से बचूं। हाँ, आप अच्छे लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दीजिए। कहाँ से मिलूं अच्छे लोगों में? मुझे मिलिया। शुक्रिया मलिक साहब, मेरा मतलब है लहरी साहब। लहरी भाई, कोई जिंदगी में कोई ऐसा वाकया है जो आपको याद रह गया हो और हो दिलचस्प? आपके साथ तो बड़े वाकयात होते रहे होंगे जिंदगी में। नहीं, याद नहीं है। याद नहीं है आपको? चलिए, हम अगले मेहमान को बुलाते हैं, तब तक आप याद कर लीजिए। मॉडलिंग एक शोभा है और बड़ा मुश्किल शोभा है। उसका कमाल यह है मॉडलिंग का कि कम वक्त में बगैर डायलॉग्स के आपको एक प्रोडक्ट बेचनी होती है, जो बड़ा मुश्किल काम है। एक बड़ी उम्दा मॉडल को बुलवा रहा हूँ, आप उनको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की मॉडलिंग करते हुए देख चुके हैं, इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ ला रही हैं नादिया। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम। आप नादिया नहीं हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कितने कमर्शियल्स में मॉडलिंग कर चुकी हैं? मैं 50 से ज़्यादा। 50 से ज़्यादा? मलिक अनोखा को जानती हैं आप? अच्छा, एक बात बताइए, मॉडलिंग की ट्रेनिंग हासिल की आपने कहीं से? नहीं जी, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं मॉडलिंग की ट्रेनिंग के लिए। बस यानी कि एक ऑफर आई थी, वैसे ही स्टार्ट किया था। कितने अरसे पहले? 2 साल पहले। 2 साल के अंदर अंदर आपने 50 कमर्श? ये खैरियत लहरी साहब कुछ कि क्या निकाला? पता चलेगा। मैं प्रोग्राम आगे करूं या इसे यहीं खत्म? भाई उसे फोन नंबर है, हम लोग बाद में बात कर देंगे, आप बात कर। लहरी साहब की फिल्में देखी हैं आपने? जी हाँ। बहुत देखी होंगी, हंसती हैं बहुत। नादिया, ये जब कोई प्रोडक्ट आप बेचती हैं, मसलन कमर्शियल में काम करती हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट वाले आपको बताते हैं कि जी देखिए इस तरह आइएगा और इस प्रोडक्ट को इस तरह होल्ड कीजिएगा और फिर ऐसे कैमरे की तरफ टर्न कीजिएगा, या जो कुछ भी उसमें होता है 30 सेकंड में या 1 मिनट में, वो सब कुछ आप अपनी तरफ से करती हैं? नहीं जी, जो कमर्शियल्स बनाते हैं वो पूरा बताते हैं कि आप इस तरह से करना है यहाँ पे, यानी कि आपको कैमरे की तरफ देखना है, आपको प्रोडक्ट को इस तरह से होल्ड करना है, तो वो सारा जो है वो बताते हैं। फिल्मों में कभी ऑफर हुई आपको काम करने की? फिल्मों में नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। अगर होगी तो करेंगे आप? नहीं, अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है मैंने। लहरी साहब? हाँ नहीं, मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए, एक फिल्म बना दूँ। कितने साल फिल्मों में आपने काम किया? 30 साल मैंने काम किया फिल्म में। उन 30 सालों में फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आपकी कोई औलाद नहीं आई? जी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कोई औलाद नहीं आई। पता नहीं कैसे रिकॉर्ड होगा ये प्रोग्राम। मैं कह कुछ रहा हूँ, आप जवाब कुछ दे रहे हैं मुझे। मैं ईमानदारी से सच बोल रहा हूँ। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 67। 67? माशाल्लाह, आप पहले आर्टिस्ट हैं जिसने अपनी सही उम्र बताई है। मर्दों से अपनी उम्र छुपाता नहीं। और औरतों से? उन्होंने तो पूछने छोड़ दिए। जी आप कुछ कह रही हैं? नहीं नहीं, मुझसे कह रही हैं। उन्हें मेरी उम्र पे यकीन नहीं आ रहा है, वो कह रही हैं उम्र कम है आपकी। कह रही हैं यू आर ए यंग बॉय। मैं क्या करूँ? अच्छा, पता नहीं आपको कौन कह रहा है, खुद ही सुन रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं। बस इस उम्र में होता है। यानी कि मान लिया कि आपकी उम्र बड़ी है। क्या करें, कहाँ तक रोकते।
मैं आपसे गुफ्तगू तो जी क्या कह रही हैं कुछ कुछ परेशानी सी लग रही है आपको, कुछ बेचैन लग रही है? असल में अपनी चीज भूल आई हूँ, वो लेकर आती हूँ। प्लीज प्लीज, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? थैंक यू जी, जाइए। कार्ड संभाल के रखिएगा। पाकिस्तान के एक ऐसे एक ऐसी हस्ती से करवाते हैं, एक ऐसे बड़े आदमी से करवाते हैं जिनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है म्यूजिक की दुनिया में, मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और बैनुल अक्वामी सतह पर जाने जाते हैं। उनके फ़न का एतराफ़ न सिर्फ अवामी सतह पर हुआ बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनके फ़न का एतराफ़ करते हुए उन्हें तमगाए हुस्न कारकर्दगी यानी प्रेजिडेंट अवार्ड फॉर द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रहे हैं मुल्क के नामवर म्यूजिक डायरेक्टर जनाब निसार बज़मी। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। बहुत साल हो गए काम करते करते जी, थकन महसूस नहीं करते आप? अब भी काम कर रहे हैं? काम में थकन नहीं महसूस होती। जिस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था उससे पहले आप रेडियो के बाकायदा सिंगर थे, उस वक्त जबकि रेडियो पे गाना बहुत बड़ा काम हुआ करता था। जी हाँ, मैं उसका परमानेंट आर्टिस्ट था। कितने साल? यार आर्टिस्ट। कितने साल गाया आपने? मैंने 36 से 44 तक गाना गाया। अच्छा, इतने साल आपने गाया, लेकिन एक बड़ी अजीब बात है बज़मी साहब आपकी कि आपने किसी म्यूजिक डायरेक्टर का गाना नहीं गाया। जी हाँ, मैंने खुद अपना कंपोजिशन जो है वो मैंने ही गाया बस, और जब गाता था तो अपने ही कंपोज किया हुआ गाना गाता था। कितने लोगों को पाकिस्तान में गवाया आपने? मैंने बहुत से आर्टिस्टों को गाया, सारे जितने मशहूर आर्टिस्ट हैं, मेहदी हसन, अहमद रुश्दी, मुजीब, मैडम नूर जहाँ और फीमेल में जितने आर्टिस्ट हैं सब, महनाज जी हाँ, नूर और उस लड़की का नाम याद है जिसके गाने बहुत मशहूर, रूना लैला। रूना लैला जी हाँ, रूना लैला जी हाँ। और वो जो प्लेबैक सिंगर्स थे वो बड़े अहम और बहुत खूबसूरत गाने वाले थे। जी जी, उन्होंने बड़ा यानी मौसीकी को पॉपुलर करने में उनके गायकी का बड़ा हाथ था। हाँ, लेकिन अब हम वैसा हमें नहीं महसूस होता, क्यों? इसलिए कि आज का जो सिंगर है वो गाने की प्रैक्टिस किया हुआ सिंगर नहीं है। आज के सिंगर के पास आवाज़ तो है लेकिन गला नहीं है, गाने की जो खूबी है जी। जैसे रंजिश सही दुल्ही दुकाने के लिए आ जी, आज अगर आज के सिंगर से गवाया जाए तो वो उस गाने का हक अदा नहीं कर सकता जैसे मेहदी हसन ने किया। मसलन मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, रंजिश सही आपकी ही गलत है। इसलिए कहता हूँ सोबत अच्छी रखो। अच्छा नहीं, ठीक है, ये देखिए मालूमात है, ये मेरी ही गलत है। रंजिश ही, अब जरा आप गा के ही बताइए। रंजिश ही सही, ये तो क्लासिकल अंग हो गया ना गायकी। क्लासिकल, बगैर क्लासिकल के तो गाना ही नहीं है। अच्छा चलिए, इतने साल हो गए आपने गाना छोड़ दिया है, लेकिन जब आप धुन बनाते हैं तो धुन बनाते हुए हारमोनियम पे जिस वक्त कमरा बंद होता है और एक कप चाय का रखा हुआ होता है और कोई पास नहीं होता जी, सिवाय आपके और आपकी तखलीक के जी, तो उस वक्त तो आप गुनगुनाते हैं जी। तो इस वक्त भी ये समझ लीजिए चाय का एक कप रखा हुआ है। बड़ा मुश्किल है ये समझना। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक गज़ल जो जिसमें अल्लाह ताला की का ज़िक्र है वो आप एक कॉम्पोजिशन आप मुझे सुना रहे थे कि देखो ये मैंने एक लेटेस्ट वो उसमें वो रिकॉर्ड हो गई है क्या किसी की आवाज़? नहीं, अभी रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो अभी वो ताज़ा है। तो हम ज़रा सुनना चाहेंगे कि एक चीज़ जो मकबूल हो जाती है तो उससे पहले वो कैसी होती है। आज का जो हमारे मुल्क का माहौल चल रहा है जी, उसके हिसाब से मैंने एक मुखड़ा बनाया, मैं आपको सुना देता जी। दोस्तों सुनो मेरे दोस्तों,
है दोस्त तो सुने मेरी दोस्त तो अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो। सुख नहीं दे सकते तो न दो पर किसी को दुख तो न दो। सुख नहीं दे सकते तो न दो पर किसी को दुख तो न दो। अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो। वाह वाह वाह। अल्लाह से डरो। ख़वातीन हज़रात, मैं वो कहाँ चली गई? वो मेहमान हमारी खातून जो थी वो आपने भगाया भैया? नहीं साहब, मैं आइए सर, आ गई वापस, थालियाँ। नादिया सॉरी जी, क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि इतनी देर अच्छा कार्ड अभी भी हाथ में रखा हुआ है आपने? कार्ड उनके हाथ में। अच्छा एक आप क्या चाह रहे, फाड़ के फेंक दें? ये काम मैं करूंगा, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। आपको मैं दूसरा कार्ड दे देता हूं। अच्छा लैरी साहब, एक आर्टिस्ट को मैं बुलाना चाहता हूं, बड़ी उसकी खिदमत है। बुलाइए। 27-28 साल उसने फन की खिदमत की है। प्लीज। नाम कमाया, बड़े मुख्तलिफ रोल्स किए और बहुत दाद वसूल की, कई अवार्ड्स भी उनको मिले। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रहे हैं मलिक अनोखा। हमारा आपसे पहले से तय था कि इस ग्रुप में अच्छा आर्टिस्ट आएंगे। नहीं तो आप उनको क्या बुरा समझते हैं? मैं उन्हें कुछ समझता ही नहीं। लैरी साहब की ये हमेशा से ये रवैया रहा है कि बातों में ये किसी को बख्शते नहीं। इनको कोई प्यारा लगे या इनको प्यारा ना भी लगे, ये तजलील से बाज नहीं आते। कोशिश करते हैं भाई। बहुत से नहीं होते। एक मैं वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ लहरी साहब का। लहरी साहब का जी, तो लाहौर गया लोग जब किसी से पुराने दोस्त से। अव्वल तो आप लाहौर गए क्यों? मैं लाहौर गया, इनसे मिला, लोग कहते हैं अरे आओ भाई क्या हाल है। मुझसे ये मिले, सलाम किया, माय फ्रेंड अबे कब जा रहा है? तो उसके बाद मैंने कहा नहीं मैं थोड़े दिन के बाद जाऊँगा, रुकूंगा। कहने अच्छा रुकेगा तो मेरे घर पे दावत खा लो। मैंने कहा ठीक है। तो लैरी साहब ने मुझे एड्रेस बताया अपने घर का कि ऐसे करना, लिबर्टी सिनेमा के गेट पे आ जाना। मैं लाहौर में, लिबर्टी सिनेमा है, वहाँ पहुँच गया। अब मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा काफ़ी गेट हैं उसके, तो मैंने फ़ोन किया इनको। मैंने कहा लैरी साहब मैं आ गया हूँ यहाँ पर और अपना इस सिनेमा के तो काफ़ी गेट हैं। तो कहने लगे अभी तू ऐसा कर 12 आने वाले पे खड़ा हो जा। पाकिस्तान के गालिबन ये वाहिद आर्टिस्ट हैं जो मुख्तलिफ जबानों में इनको बड़ी महारत हासिल है। अगर वो तो वैसे भी कह दिया जाता है अनाउंसमेंट में कि साहब बहुत जबानों में, वैसे तो मैं भी कई जबानें बोल लेता हूँ, लेकिन जबान को का आना और उस पर उबूर होना एक मुख्तलिफ चीज़ है। इनको जबानों पर उबूर है। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हम सब जरा तालियां बजा के इनसे कहें कि ये मुख्तलिफ जबानें तो सुनाएं जरा कि कौन कौन सी जबानों के माहिर हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक लफ्ज ले लीजिए जी कि भाई आपके क्या हाल है, आपके क्या हाल है जी। ये तो मैं जवाब दूंगा अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ जी। इसी तरह सिंधी में आप पूछेंगे अबा केड़ो वाला है खुश आई, तो मैं यही कहूँगा अब अबाल आज शुक्र आया हूँ खुश आया अल्लाह तो खेब खुश रखे। सिराकी में तू की में है माए ई में ही हाजी में तू साहो। ये मुख्तलिफ जबान कैसे कैसे क्या क्या आप पूछिए मुझसे। अच्छा
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਾਂ। अच्छा, तो जैसे बलोची। अच्छा बलोची, बलोची। हाँ जी, क्या हाल है आपके? शुमा 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 की हाल है? शुमा चोने है? शुमा चोने। शुमा चोने, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? हाँ, अच्छा इसका क्या मतलब है? शुमा ची गिंद गए? आप क्या देख रहे हैं? विजय चापा, यानी तालियां बजाइए। मलिक साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। बदल दिया था? नहीं नहीं, बदमाश से डरना चाहिए। मलिक साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। इन्होंने एक फकीर का कैरेक्टर किया था, इतना अच्छा परफॉर्म किया मैं बता नहीं सकता। वाकई उसमें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी, जो जिसमें फकीर बने थे, बहुत अच्छे रोल किया था भाई। कुछ करने की इधर जरूरत नहीं पड़ी। लहरी साहब, आप बोल रहे हैं, मैं आजकल एक मेरा ड्रामा चल रहा है उसका जिक्र ही, फकीर का तो आपने कर दिया, वो शहजादे वाला भी तो कर रहा हूं मैं। नहीं, उस पर तो लोगों ने कहा था कि टीवी वाले अंधे हो गए हैं क्या। शहजादे बने ना जी, कुछ डायलॉग याद है शहजादे? नहीं, बहुत अच्छा काम उसमें भी, अच्छा उसमें तो वाकई बहुत अच्छा काम। जांगिया पहन के शहजादा बना। वाह वाह। कुछ तादाद जमा किया आपने कि कितने अब तक आपने परफॉर्मेंसेस किए होंगे टेलीविजन पे? मुझे याद नहीं, काफी साल हो गए। पसंदीदा कॉमेडियन आपका कौन है? लहरी साहब ही है साहब। मालिक का नुस्खा से अच्छा आर्टिस्ट मैंने नहीं देखा। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो ज्यादा है। मेहरबानी लहरी साहब, आप बहुत अजीम आर्टिस्ट हैं। नहीं, हमने तो आपको देखकर ये काम शुरू किया। आपने गलत काम शुरू। तो इन्हीं से, चूंकि हमसे पहले निराला साहब मरहूम और लहरी साहब काम किया करते थे जी, हम इनकी फिल्में देखते थे, इन्हें स्टेज पर देखते थे, तो इनको देखकर ही हमने भी काम शुरू किया। क्या पता था आज लहरी साहब कह रहे बहुत बुरा काम। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े अच्छे काम किए आपने, और टीवी में ख़ास तौर से आपने परफॉर्म किया है बहुत शानदार। बजमी साहब, आपने मजाक बतरफ आपने रूना लैला को बहुत सारे गाने गवाए जी, बहुत गाए। एक गाना मुझे बड़ा पसंद है, वो था ला 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 ला। कहती है मेरी नजर शुक्रिया। सुना है ना आप लोगों ने गाना? हम आपको एक गाना सुनवाते हैं स्टेज की एक बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट से, जिनको आपने टेलीविजन पे भी सुना है, बहुत खूब गाती हैं। हमने उनसे दरख्वास्त की के यहां तशरीफ लाएं और बजमी साहब का ये गीत सुनाएं। आपकी तालियों में तशरीफ ला रही हैं शबाना कौसर। गाने भी हैं जो आपके नकल किए गए, या मिसाल के तौर पे आपने बनाए, दूसरे सिंगर्स ने गाए जी, ठीक जी। अब सिंगर्स ने सुन लिया, पॉपुलर हो गए, उनको अवार्ड्स भी मिले, आपको भी मिले अवार्ड्स। मैं ये चाहता हूं कि जो तख्लीक कार है, जिसने तख्लीक किया है, वो यकीनन
एक उम्र होती है, एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, लेकिन जैसा कि आप भी यही कहते हैं, लहरी साहब का भी कहना है, मैं भी ये कहता हूँ, हर आर्टिस्ट ये कहता है कि फनकार बूढ़ा हो सकता है, उसका आर्ट, उसका फन बूढ़ा नहीं होता। तो एक गाना था, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, थोड़ा सा अगर गुनगुना के आप सुनाए म्यूजिक के साथ तब। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर है प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी। ऐसे भी हैं मेहरबान, ऐसे भी हैं मेहरबान, ऐसे भी हैं मेहरबान, जिंदगी गिरा जब मिले तो यूं मिले जैसे दांव के, ऐसे भी जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते। एक एक, एक 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 गाना था आपका, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई, जिंदगी की। अब आपकी मुलाकात एक और मौके हैं, आपकी तालियों में तशरीफ ला रही हैं शादियां। आप तो वही है ना जो पहले थी, तो आप तो पहचान ही नहीं अभी तक। ये क्या कंफ्यूजन है, मैंने शादिया को बुलाया था तो शादी, आप तो अभी नादिया है ना आप तो? हाँ जी मैं नादिया हूँ, लेकिन आप अभी तक पहचान ही नहीं, हम तो दो है, शादिया और नादिया। कहाँ है, बुलाइए जरा दूसरी को। कभी सफेद रेत के दरमियान आपने कौवा देखा है? मतलब अपने नसीब है भाई। नहीं नहीं मैं नहीं, नसीब की बात नहीं, आप क्यों अपने पे क्यों ले जा रहे हैं भाई? मैं भी आप पर थोड़ी ले जा रहा हूँ। अच्छा ये इस कदर कितना फर्क है, आप दोनों जुड़वा बहन हैं? हम लोग में 15 मिनट्स का फर्क है। सिर्फ 15 मिनट का जी? 15 मिनट बड़ी कौन है? मैं 15 मिनट्स बड़ी हूँ। कितना आपको फख्र होगा। और जब भी ये कोई बदतमीजी करती होंगी तमीज से, मैं तुमसे 15 मिनट बड़ी हूँ। तो होता नहीं है।
झगड़ा नहीं होता? नहीं, इतना ज्यादा नहीं होता, थोड़ी देर का बस। एक बयान पे कायम रहिए, अभी कह रही हैं आपके नहीं होता, फिर कह रही हैं इतना ज्यादा नहीं होता, होता तो है ना? हाँ, थोड़ा बहुत। हाथापाई होती है? नहीं, आज तक तो नहीं हुई। एक दफा हुई थी? नहीं, कभी नहीं हुई थी। सच्ची? हुई थी ना? मारा मारी हुई थी ना? हुई थी। अगर आज फिर एक नमूना हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना, थोड़ा सा जरा। अच्छा, एक अर्ज करना चाहता हूँ। जी जी जी। कि मेरे भी बेटे जुड़वा हैं और उसमें उनमें 30 मिनट का फर्क है। माशाल्लाह। क्या उन दोनों की शादी हो गई? नहीं। आप दोनों की हो गई? अभी थी। नहीं, माशाल्लाह। भैया, कार्ड पहले मैंने दिया है। मेरे भी दो बेटों की शादी नहीं हुई। वो भी जुड़वा है क्या? नहीं है तो क्या हो। माशाल्लाह। आपकी मुलाकात करवाते हैं, खुदा हम सबको इसी तरह हंसता हंसाता रखे। एक आर्टिस्ट हैं, बड़ी खिदमात हैं उनकी, उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाया, मुल्क में से बाहर बहुत नाम कमाया। हमारे वो दोस्त हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर्स कहते हैं कि सुरी लगाते हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब सलीम शहज़ाद। अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं ये फिल्म में स्ट्रगल कर रहा था जी, उस वक्त ये भी स्ट्रगल काम तलाश कर रहे थे, और एक फिल्म में इन्होंने कराची की काम किया है, बहुत अच्छा। कौन सी फिल्म थी? खुद काम किया? हाँ, इब्तिदा में बहिष्यत अदाकार के। जी जी, आपकी याददाश्त बिल्कुल सही है लहरी साहब, वो फिल्म का नाम था अपना पराया। बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था उसमें, वो फिल्म चली नहीं। कॉमेडियन और सिंगर में बड़ा फ़र्क है, ऐसा नहीं था। मेरी एक अखबार में तस्वीर छपी थी उस ज़माने में। किसकी? तो मेरी। वो एक पोज कैसा? नहीं, मैं तो मुख्तलिफ पोज बना सकता हूँ। मसलन कैसे? अफर्ज की इस तरह भी कर सकता हूँ। अच्छा, एक सेकंड, इसका मतलब भी बताते जाइए ना। बनाना, वो एक ज़माने में वो कपड़ा ओढ़ के जो पोज बनाना, खैर कोई आर्ट नहीं है, हर शख्स बना सकता है। लेकिन किस्सा ये था कि वो छपी, यकीन जानिए, तो वो एक क्रिश्चियन का रोल था उस फिल्म में, तो उन्होंने कहा कि लड़का बड़ा खूबसूरत है, उस ज़माने में लड़का था जाहिर। हाँ, ये थे मुझसे ज़्यादा। क्या इसमें भी शक है लहरी साहब? तो आप तो ऐसे नहीं थे जितना मैं खूबसूरत था। तो उन्होंने कहा, ये तस्वीर हमें बड़ा इम्प्रेस किया, आप फिल्म में काम करेंगे? आप राज़ी हो गए? तो मैं घबरा सा गया, मैंने सोचा मैं कैसे अदाकारी करूँगा। कहने साहब, नहीं, ये रोल तो आप ही करें, चूँकि इनमें से एक साहब बोले आप, चूँकि बहुत ही हमारी डिमांड है। साहब, इन्हें गाना आता है, बहुत अच्छा गाते हैं। बात कट गई? अच्छा, आपने बात काटी है, तो चलिए मैं उसकी तरफ आता हूँ। गाने एक सवाल, एक सवाल करना चाहता हूँ लहरी साहब, आपकी इजाज़त से। वो ये कि आपने अदाकारी की फिल्म में, उसके बाद शूटिंगें बाकायदे शुरू हुई, और उसमें क्या रोल था आपका उसमें? साइड हीरो था मैं। कितना साइड में थे? कॉमेडी फिल्म थी, देखिए कमाल था, मैं था और शमी मारा थी और तालिश था और रेहाना थी, कपल्स थे। मेरा कपल्स जो था वो एक बड़ी मशहूर ज़माने में लड़की थी, उसका नाम था रुखसाना, जो बाद में फिल्मों में बहुत आपने शायद देखा चीकू, होगा चीकू, काफी चीकू, पुरानी बात। चीकू। और उसके बाद जो शूटिंगें शुरू हुई, तो मेरी ज़िंदगी का पहला तजर्बा था, मैं बन नहीं रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था किस तरह अदाकारी होती है। बहरहाल बमुश्किल मैंने उस फिल्म को गाना बहुत अच्छा गाते लपेटा। लेकिन लहरी साहब की इस बात की तर्दीद करता हूँ, वो फिल्म लगी और उस ज़माने में 15 हफ्ते एक ही थिएटर पे चली, जबकि गैर ममालिक की फिल्में आ रही थी और बड़ा कंपटीशन था। आज भी अगर वो फिल्म टीवी पे आए तो वो एक मजाहिया
आवाम की उमंगों अच्छा, पर आपने कॉमेडी रोल किया था? जी मैं कॉमेडी रोल और रक्स भी किया था, डिस्को रक्स भी था, एक ड्यूट भी था उसमें। आज तक इतना लंबा पीरियड, मेरा ख्याल है 64 में मेरी पहली फिल्म फिर सुहेल राणा मुझे हीरा पत्थर में उन्होंने गाने गवाए, तो मैं तो काफिला मेरा रवा दवा था अदाकारी की तरफ, लेकिन सुहेल साहब ने कहा भाई आपका गला बहुत अच्छा है, आपकी फिल्मों में प्लेबैक गाएं तो शायद ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, तो यूं आपने पहला गाना गाया? पहला गाना कौन सा गाना? उसमें गाने तो कई थे हीरा पत्थर में, मगर हिट जो हुआ है वो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। थोड़ा सा गुनगुनाएंगे? मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, उसने हंस के देखा बेड़ा पार हो गया, खाली पीली कहता है प्यार हो गया। तो ये गाना अच्छा, ये इसको दोबारा गाइए क्योंकि टीवी पे पाबंदी है तो पीली नहीं कह सकते, आप कहिए खाली खाली कहता है प्यार हो गया। तो अगर इतनी ही पाबंदी तो ये गीत नहीं गवाएं और गवा ले, मैं बज़मी साहब को भी गाना गाया है। ये निसार बज़मी साहब ने, निसार बज़मी जैसे म्यूजिक डायरेक्टर, माफ कीजिएगा बज़मी साहब, आप बड़े अक्खड़ मिजाज हैं अपने काम के मामले में, और ये दुनिया जानती है कि आपने मुल्क की एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट को उनका गाना सुनने के बाद कह दिया था कि ये कूड़े में फेंकने के काबिल हैं, याद है आपको? जी। आपने कहा था जी। और जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि जी फिल्म में या तो मैं काम करूंगी या ये म्यूजिक डायरेक्टर ये होंगे, अगर ये होंगे तो मैं काम नहीं करूंगी। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि आपका तो मुझे नहीं पता, म्यूजिक डायरेक्टर निसार बज़मी ही होंगे। निसार बज़मी साहब जैसे म्यूजिक डायरेक्टर ने जिस सिंगर को गवाया तो यकीनन वो सिंगर गाने में तो कमजोर नहीं होगा, ये तो मैं इतना तो मुझे यकीन है। सलीम शहजाद साहब सुनिए, अगर ये खामोश है ना तो ये बहुत अच्छे गाने वाले। मुझे आप कहाँ बोलने दे रहे हैं, मैं खामोश ही तो बैठा हूँ। बोले सारी बात ही लहरी साहब, ये तो कोई अजीब बात आप कर रहे हैं कि वो खामोश रहे तो अच्छे सिंगर हैं। सिंगर जब तक बहुत अच्छे सिंगर हैं अगर वो खामोश रहे। सलीम सलीम अभी मैं बोला ही कहाँ हूँ लहरी साहब। अच्छा सलीम शहजाद साहब आप सुना दो, एक गाना था बज़मी साहब का जी, प्यार की याद निगाहों निगाहों में सजाए रखना, चिरागों को हवा में भी जलाए रखना, क्या खूबसूरत धुन थी। और सलीम शहजाद ने बहुत बढ़िया गाया था। हम चाहते हैं एक अस्थाई आप हमें जी इस गाने के साथ। प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना, प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना, इन चराहों को हवा में भी जलाए रखना, प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना। बात यह है ख़वातीन हज़रात, आपने अक्सर सुना होगा लोगों को, वो कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने कहा कि दुनिया एक स्टेज है, हर शख्स इसका किरदार है, आता है अपने अपने हिस्से का पार्ट करता है चला जाता है। एक राइटर ने, एक शायर ने इसको कुछ यूं करने की कोशिश की, उसने इन तमाम चीज़ों को फनकारों से रिलेट किया, फनकारों से मुंसलिक किया, और शायर ने कहा ये दुनिया स्टेज है जिसके हम फनकार हैं, जिंदगी एक खेल है जिसके हम किरदार हैं। मैं आपकी तालियों में इनसे गुजारिश करूंगा कि वो गीत हमें सुनाएं। ये दुनिया स्टेज है इसके हम फनकार हैं, ये दुनिया स्टेज है इसके हम फनकार हैं,